वेलकम बैक टू सावी ऑल इन वन चैनल। दोस्तों, परसों है करवा चौथ एंड आप सब लोग भी करवा चौथ की कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे होंगे। सो मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं क्या तैयारी कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है करवा चौथ के लिए। सो अभी मैं रेडी हूँ और बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा पार्लर अपना जो खुलिया है वो ठीक करवाने के लिए। एंड उसके बाद मैं जाऊंगी चूड़ियाँ लेने, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि करवा चौथ पे और हम लोग नई चूड़ियाँ पहनते हैं। सो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं। एंड वो पार्लर के बाद मैं आई हूँ थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करने। सो ये है हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस शॉप राधा रानी बैंगल्स। बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है इनके पास। सो मैं जो भी बैंगल्स और ज्वेलरी जो लेती हूँ वो यहीं से लेती हूँ मोस्टली। बहुत अच्छा कलेक्शन होता है इनके पास, आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे इयर रिंग्स हैं एंड आई जस्ट लव इयर रिंग्स। मुझे नेकलेस का इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे इयर रिंग्स पहनना बहुत पसंद है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे पास बहुत सारे हैं, कभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही मैं ले रही हूँ ये चूड़ियाँ जो कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत टाइम हो गया लाख में और मेटल में तो बहुत है, कांच की चूड़ियाँ पहनने का इस बार मन है मेरा, तो मैंने ये रेड कलर में ली है कांच की चूड़ियाँ। तो बहुत अच्छे बैंगल्स मिल जाएंगे, मिलते हैं आप यहाँ पे, मुझे बहुत पसंद। आप मेरे पिक्स में देख सकते हैं, देखेंगे कि जो मैं जो भी बैंगल्स मैं लेती हूँ वो मैं यहीं से लेती हूँ। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनका, पसंद आ जाता है मुझे तो। हर बारी लेने जाती हूँ एक जोड़ी चूड़ियाँ और लेके आती हूँ बहुत सारी चूड़ियाँ। और मुझे चूड़ियाँ भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है चूड़ियाँ पहनना। तो मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी ना कभी शेयर करूँगी। एंड ये है पूरा व्यू इस शॉप का। सो ये बेटू आई है साथ में आज, तो वो भी कुछ ना कुछ तो लेगी ही, बच्चे जब साथ आते हैं शॉपिंग पे
तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो देख रही है अपने लिए कुछ ना कुछ। मैं ये ट्राई कर रही हूँ, अब देखना मेरे जो भी वीडियोस हैं, ब्लॉग वीडियोस हैं, उनमें देखेंगे आप मैं जो इयर रिंग्स पहनती हूँ, मैंने मोस्टली यहीं से लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये, मुझे बहुत पसंद आए हैं जो मैं कल ये पहनने वाली हूँ। एंड ये अब मैं घर आ गई हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये मैंने लिए हैं गोल्डन और थोड़ा सा कुछ मोती का वर्क है इसमें इयर रिंग्स में, मुझे बहुत पसंद आए हैं ये। तो अगर आप हैवी साड़ी के साथ इसे पहने और किसी जैसे ऐसे दिवाली करवा चौथ ऐसे कोई फंक्शन हो तो इनमें इस तरह के इयरिंग्स अच्छे लगते हैं पहनना। और अगर आप सिर्फ इयरिंग्स ही डाल लें उसके साथ अगर और कुछ भी ना डालें तो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने ली है रेड कलर की चूड़ियाँ, मैंने सिर्फ रेड कलर में ही ली है, रेड और गोल्डन में। हालांकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ, बट मैंने सिर्फ रेड कलर में ही सब चूड़ियाँ ली हैं और बाकी कलर हैं मेरे पास तो उनमें से मैं मैच करके कुछ बना लूँगी अच्छा सा। साथ में मैंने लिया है ये माथा पट्टी, यानी कि रखड़ी हमारे यहाँ पे बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आई थी, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी। सो आपको शो हो भी रहे हैं ये इयररिंग्स, इनका कुछ बहुत ही डिफरेंट से है, प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं ये, बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास इयररिंग्स का, छोटे से लेके बड़े तक। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी। एंड अभी है मेहंदी टाइम, मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, तो मैं हर साल मेहंदी लगवाती हूँ इस तरह से। पहले मैं खुद ही लगाती थी पर खुद फिर लगाते हैं तो सिर्फ एक ही हाथ पे लग पाता है, दूसरा हाथ पे थोड़ा सा इजी नहीं होता दोनों हाथों पे लगाना। सो अभी कुछ सालों से, दो तीन सालों से मैं किसी से और से ही लगवाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथों पे मेहंदी बहुत पसंद है। सो वो बोलते हैं कि दोनों हाथों पे लगवाओ, तो अभी मैं किसी को बुलवा के ही लगवा लेती हूँ। एंड बहुत अच्छी डिज़ाइन लगाई है इन्होंने, और ये दोनों हाथों की मेरी मेहंदी लग गई है। अब कलर क्या आएगा इसका वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। सो ये है मेरी करवा चौथ की तैयारियाँ, बैंगल्स, इयररिंग्स, मेहंदी, और ये मेरे साहब का नाम जो मैं हमेशा जब भी मेहंदी लगवाती हूँ तब बनवाती हूँ अपने हाथों में। और ये पूरा मेहंदी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मेहंदी लगवाना, मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है मेहंदी की। तो ये थी मेरी करवा चौथ की तैयारियाँ, बहुत ही बिजी डे था आज का। करवा चौथ की तैयारियाँ भी की है मैंने और साथ ही आज है मेरे साहब का बर्थडे, सो उसमें भी मैं थोड़ा सा बिजी थी तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बट जितना शूट किया सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो साहब के बर्थडे के लिए स्पेशली मैंने बनाया है ये चॉकलेट केक जो काफ़ी अच्छा बना है, तो इसकी रेसिपी मैं इस वीडियो में तो नहीं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है, मैं हर साल उनके बर्थडे पे केक बनाती हूँ और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, हर बार कुछ नया केक बनाती हूँ, तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।